मैंने आपको फॉरवर्ड पास एंड रिवर्स पास का कॉन्सेप्ट डिफाइन कर दिया था। ठीक, देखिए उसके बेस पे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन होता है बायसिंग के टर्म पे बेस्ड, तो मैं उसके बेस पे एक क्वेश्चन देता हूँ आसान सा। जैसे आपको बोले मेरे पास कोई एक डायोड है, ठीक, कुछ इस तरह से। इसमें कुछ कनेक्शन गिवन होंगे, जैसे एक कनेक्शन ऐसे दे दे एंड एक पॉइंट यहाँ पे दे दे। इसकी वैल्यू सपोज कर लीजिए 2 वोल्ट। पूछे इस पर्टिकुलर टर्म की कि क्या यह फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है, डिफाइन कीजिए। दूसरा, अगर मैंने कुछ इसको ऐसे दे दिया, ठीक, ये पूछे कि फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस, क्या कुछ ऐसे दिया हो सकता है। इन तीनों में कौन कौन सा फॉरवर्ड बायस, कौन कौन सा रिवर्स बायस, डिफाइन कीजिए। फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस के चेक करने के लिए मैंने लास्ट क्लास में बताया था जो पी टाइप होना चाहिए वो हायर वोल्टेज पे होना चाहिए, जो एन टाइप होना चाहिए वो लोअर वोल्टेज पे होना चाहिए, तब ये फॉरवर्ड बायस होता है। एंड रिवर्स बायस के लिए इसका जस्ट अपोजिट, पी लोअर पे होना चाहिए और एन हायर पे होना चाहिए, तब वो रिवर्स बायस होता है। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ, ठीक, यहाँ पे ये 3 बार दे रखा है, तो इसके बेस पे मैं इस पर्टिकुलर टर्म को बोलता हूँ अर्थिंग है, और अर्थिंग का वोल्टेज कितना होता है 0 वोल्ट। यहाँ पे मेरे पास 2 वोल्ट, दोनों में लार्जर वैल्यू ये है, ये मेरे पास जो पार होता है उसको बोलते हैं पी, और ये मेरे पास पार होता है उसको बोलते हैं एन। तो एन यहाँ पे हायर है, पी यहाँ पे लोअर है, इसीलिए पूरा टर्म रिवर्स बायस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, सेकेंड को चेक करिए, तो ये मेरे पास -5 और ये -7, दोनों में वैल्यू लार्जर -5 है, विच इज टूवर्ड्स पी टाइप, इसीलिए फॉरवर्ड बायस होगा। उसी तरह थर्ड चेक कीजिए, ये मेरे पास 2 वोल्ट और ये मेरे पास अर्थिंग 0 वोल्ट, 2 वोल्ट लार्जर है और वो टूवर्ड्स पी साइड है, इसीलिए ये भी कैसा होगा, फॉरवर्ड बायस। तो इस तरह किसी फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस को हम चेक करते हैं। दूसरा तरीका, को दूसरा क्वेश्चन पूछता है इसमें कि अगर वो फॉरवर्ड है या रिवर्स है उसके हिसाब से करंट कैलकुलेट करने के लिए पूछता है। तो जैसे एक नीट में क्वेश्चन पूछा कि एक डायोड ले लिया कुछ इस तरह, वहां पे एक रेजिस्टर कनेक्टेड, यहाँ पे वोल्टेज दे दिया -10 वोल्ट एंड यहाँ पे कोई अर्थिंग दे दिया इस तरह, ठीक, इसकी वैल्यू दे रखा है 2 किलो ओम। अगर ये डायोड आपके पास आइडियल है तो वो बताइए इस पर्टिकुलर डायोड में करंट कितना फ्लो करता होगा। तो करंट जब भी कैलकुलेट करने के लिए बोले तो आप पहले चेक कीजिए कि फॉरवर्ड बायस है रिवर्स बायस। अगर रिवर्स बायस है तो आइडियल डायोड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इसलिए उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर वो फॉरवर्ड बायस है तब उसमें करंट फ्लो करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए एंड देन उसके हिसाब से सॉल्व कर लीजिए। ठीक, एक बार चेक कीजिए कितना करंट आना चाहिए इसमें। शिबा सॉल्व हुआ आपसे? देखिए पहले काम चेक कीजिए, चेक कीजिए फॉरवर्ड और रिवर्स। तो देखिए यहाँ पे अर्थिंग है, इसका वोल्टेज जो आएगा 0, तो ये हायर वोल्टेज और ये लोअर वोल्टेज, मतलब ये फॉरवर्ड बायस है। तो पहले चीज कैलकुलेट कर लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो जाएगा 0 हायर वोल्टेज माइनस -10, तो पूरी वैल्यू हो जाएगी 10 वोल्ट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 10 वोल्ट आ गया। आइडियल डायोड कोई भी इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स जंक्शन नहीं होगा। तो मैं सिंपली ओम्स लॉ अप्लाई करूँ, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, वोल्टेज मेरे पास कितना 10, बाय रेजिस्टेंस कितना मेरे पास 2 किलो ओम, मीन्स 2 × 10⁻³, 2 5 10 ऊपर जाएगा, 10⁻³, उसको हम मिली एम्पीयर बोलते हैं। इसीलिए
5 mA करंट इस पर्टिकुलर के क्रॉस मूवमेंट करता है। इसी क्वेश्चन में थोड़ा और ट्विस्ट करिएगा तो कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको कोई डायोड दे दे इस तरह, यहाँ पे कोई रेजिस्टर दे दे इस तरह, यहाँ पे कोई बैटरी ऐसे, ये मेरे पास 1 kΩ, यहाँ पे दे दे कि ये पर्टिकुलर जो डायोड है वो जर्मीनियम का बना है एंड यहाँ पे वैल्यू दे रखा है 4 V। तब पूछा कि करंट इसके क्रॉस कितना होगा, फ्लो करेगा। तो एक टर्म याद रखिएगा, जब कोई भी डायोड दे रखा हो कि जर्मीनियम का बना है या सिलिकॉन का बना है तो उसके जंक्शन पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा या बैरियर पोटेंशियल होगा या उसको नी वोल्टेज बोलते हैं वो होगा। तो जर्मीनियम के लिए होता है 0.3 V एंड सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 V। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। तब मेरे पास ये जो वोल्टेज होता है यहाँ पे उसका डायरेक्शन देखिए, तो ये मेरे पास पी साइड, ये मेरे पास एन साइड। हमने पढ़ा था जंक्शन पे जो पोटेंशियल डेवलप होता है इसके ऑपोजिट, तो यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक, अब उसके क्रॉस यहाँ पे अगर मैं डायरेक्शन देखूं, इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव, इसकी पोलैरिटी नेगेटिव, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे ऐसे जाएगा। इसके डायरेक्शन की ये ऑपोजिट है, इसलिए ये वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज नेट वोल्टेज अक्रॉस दिस पर्टिकुलर सर्किट डिफाइन करेगा। ठीक, तो इस कंडीशन में नेट वोल्टेज इज इक्वल्स टू वोल्टेज एक्सटर्नल माइनस वोल्टेज जो बैरियर है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, या नी वोल्टेज जो उस डायोड के लिए है उसको डिफाइन करते हैं। एक्सटर्नल वोल्टेज आपको दे रखा है 4 एंड नी वोल्टेज, चूंकि ये डायोड किसका बना है, जर्मीनियम का, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.3 पुट कर दीजिए, टोटल टर्म कितना आ जाएगा 3.7 V। आपको वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो करंट यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, आया समझ ये क्वेश्चन? यस सर। ओके, अब यहाँ पे वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो करंट कैलकुलेट कर लीजिए। तो I इज इक्वल्स टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस ऑफर्ड, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 3.7 mA। यहाँ तक पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसके आगे और कॉन्सेप्ट सिखा पाऊँ। इसके बाद कभी कभी आपको जो क्वेश्चन होगा वो सर्किट के अक्रॉस गिवन होगा, जैसे एक डायोड ऐसे दे दिया, यहाँ पे कोई रेजिस्टर, एक डायोड ऐसे दे दिया, यहाँ पे एक रेजिस्टर, इसको कनेक्ट कर दिया किसी बैटरी से, यहाँ पे एक रेजिस्टर, बोलेगा ये वैल्यू मेरे पास R, ये भी वैल्यू मेरे पास R और ये भी मेरे पास R, यहाँ पे EMF E। पूछेगा अगर ये डायोड आपस में आइडियल डायोड है तो बताइए नेट करंट इस पर्टिकुलर सर्किट में कितना फ्लो करता होगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो पहली बात चेक कीजिए कि कौन कौन से डायोड फॉरवर्ड बायस में, कौन कौन से डायोड रिवर्स बायस में है। तो उसको डिफाइन करने के लिए ये जो डायोड है उसका पी साइड ये है, एन साइड ये है, ये डायोड इसका एन साइड ये है, पी साइड ये है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल। तो देखिए ऊपर वाले डायोड का पॉजिटिव पार्ट पॉजिटिव से कनेक्टेड, विच इज दैट हायर पोटेंशियल। तो ये जो डायोड होगा वो फॉरवर्ड बायस की तरह एक्ट करेगा, इसीलिए वो अलाउ करेगा अपने क्रॉस फ्लो करने को, करंट को।
बट ये जो डायोड होगा वो रिवर्स बायस, कोई कंडक्शन अपने क्रॉस अलाउ नहीं करेगा। जब कोई कंडक्शन अपने क्रॉस अलाउ नहीं करेगा तो इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर सकती, इसलिए उस सर्किट को आप निग्लेक्ट कर दीजिए। तो सिंपल आपके पास जो सर्किट बच जाएगा ठीक, वो सिर्फ अपर सर्किट मतलब करंट सिर्फ ऐसे फ्लो करेगा इस तरह। तो उसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, एक रेजिस्टेंस ये बचा एक रेजिस्टेंस ये बचा, दोनों आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन, सो आर इक्वेलेंट बिकम्स आर प्लस आर becomes 2R, so net current is equals to total potential difference that is E by total resistance across the circuit 2R. तो इस तरह अगर कोई circuit given हो तब उसको हम solve इस तरह से define करते हैं। देखिए कोई भी circuit के cross अगर given हो तो पहले check कीजिए कि उन सारे diodes में कौन कौन से forward bias हैं, कौन कौन से reverse bias हैं, ठीक। तो उसके लिए बैटरी की पोलैरिटी देखिए एंड उन डायोड में पी साइड और एन साइड देखिए एंड चेक कीजिए कि पी साइड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो, एन साइड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो, तो फॉरवर्ड बायस एंड जो दूसरा होगा उसके ऑपोजिटली कनेक्टेड टू रिवर्स बायस। जैसे मैं एक और क्वेश्चन आपको बताऊं, कोई डायोड अगर ऐसा दे रखा हो, यहाँ पे एक डायोड ऐसा दे रखा हो एंड यहाँ पे एक डायोड ऐसा दे रखा हो, यहाँ पे मैंने तीन डिफरेंट कनेक्शंस ले लिए, बैटरी से कनेक्टेड, यहाँ पे रेजिस्टर। अगर ये 2R है, ये भी 2R है, ये भी 2R है एंड ये R है, ये EMF E है। अब इसमें बताइए कि तीनों डायोड में कौन फॉरवर्ड है कौन रिवर्स है, तो आप इसकी पोलैरिटी चेक कीजिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल, ये इसका पी साइड एन साइड, ये भी इसका पी साइड ये एन साइड और ये पी साइड। तो देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये भी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, बट ये रिवर्स बायस हो जाएगा। जो सर्किट रिवर्स बायस में हो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी आइडल डायोड के लिए, इसीलिए पूरे सर्किट को यहाँ से रिमूव आउट कर दीजिए। बच गया आपके पास ये दोनों सर्किट, आपस में आपको पैरेलल दिख रहा तो ये दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी R, उसके साथ ये मेन टर्म सीरीज में दिख रहा है तो R प्लस R 2R, इसीलिए इसमें भी करंट हो जाएगा नेट पोटेंशियल डिफरेंस बाय टोटल रेजिस्टेंस। ये समझ आया? यस सर। ओके इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर मैं एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ रेक्टिफायर वो कैसे डिफाइन। जस्ट वन मिनट। हमने डायोड के कनेक्शंस के बेस पे क्वेश्चन अलग अलग टर्म डिफाइन कर दिया, अब इस डायोड के कुछ एप्लीकेशन हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का मतलब होता है एक डिवाइस जो एसी सिग्नल को कॉरेस्पॉन्डिंग डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता हो, पर्टिकुलर डिवाइस को रेक्टिफायर बोलते हैं एंड इस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन को हम रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। ठीक तो आप सिंपल बोलिएगा रेक्टिफायर विच कन्वर्ट्स एसी इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग डीसी।
देखिए डायोड रेक्टिफायर की तरह कैसे बिहेव करता है। तो हम डायोड पढ़ते मतलब रेक्टिफायर पढ़ते हैं दो तरह के, एक को बोलते हैं हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर, एक को बोलते हैं हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ सिंगल डायोड कुछ इस तरह से, यहाँ पे एक कॉइल, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल लोड रेजिस्टर जिसके क्रॉस मुझे आउटपुट चाहिए, यहाँ पे इनपुट, ये मेरे पास इनपुट यहाँ से यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे सिग्नल देते हैं उस एसी सिग्नल में दो पार्ट, एक मेरे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक मेरे पास नेगेटिव हाफ साइकिल, एंड उसके रिस्पेक्ट में ये डायोड कैसे बिहेव करेगा उसके अकॉर्डिंग आउटपुट इस पर्टिकुलर रेजिस्टर में डिफाइन करते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से होता है, सपोज कर लीजिए हाफ साइकिल मैंने लिया, ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह, ये मेरे पास इनपुट साइकिल, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट में क्या फर्क पड़ता है, ये जो डायोड है वो आइडियल डायोड है विच कैन कंडक्ट ओनली फॉर फॉरवर्ड बायस कंडक्शन और हाफ साइकिल कंडक्शन सिंपली डिफाइन करता है। तो जैसे मैं इसके क्रॉस पॉजिटिव इनपुट देता हूँ ये फॉरवर्ड बायस होगा तो उसके लिए कंडक्शन होगा, अगले हाफ साइकिल में जब नेगेटिव इनपुट उसको मिलता है तो उसमें कोई कंडक्शन नहीं होती क्योंकि वो रिवर्स बायस की तरह बिहेव करने लगता है, इसीलिए उसके क्रॉस आउटपुट नहीं मिल पाता। तब मैं अगर सेम साइकिल के क्रॉस आउटपुट का रिलेशन देखूं कुछ इस तरह से, तभी कुछ ऐसा डिफाइन करेगा, पॉजिटिव इनपुट मिला कंडक्ट करेगा फॉरवर्ड बायस होने की वजह से इसलिए आउटपुट इसके क्रॉस मिल जाता है इस तरह, अगले हाफ साइकिल में नेगेटिव इनपुट मिला कोई आउटपुट नहीं मिलेगा क्योंकि वो रिवर्स बायस की तरह ऑपरेट होता है जीरो, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव इनपुट फिर से फॉरवर्ड एंड सो ऑन। इसलिए इस पर्टिकुलर डायोड को हम हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं क्योंकि सिर्फ हाफ साइकिल के लिए उसने कंडक्शन शो किया। अब इस इनपुट एंड आउटपुट के रिस्पेक्ट में हमें कुछ टर्म डिफाइन करना होता है, जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा एसी अल्टरनेटिंग करंट, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, कुछ याद है ये मैं बताऊं? अमन साहब आपको कुछ समझ आ रही चीजें? मैंने पूछा दो चीजें कैलकुलेट करते हैं, एक एवरेज वैल्यू एक आरएमएस वैल्यू, क्या वो कैलकुलेट करना आप लोगों को याद है भूल गए? किसी भी फंक्शन के लिए मुझे अगर एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो एफ एवरेज इज इक्वल्स टू उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दीजिए सिंपल, जितना लिमिट हो उसके अकॉर्डिंग डिवाइड बाय दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड इस तरह से, या इसी चीज को अगर मैं ग्राफिकल मतलब से देखूं तो उसका मतलब होता है एरिया अंडर एफ वर्सेस टी ग्राफ डिवाइड बाय दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है वो साइनसॉइडल इक्वेशन है ठीक, बट जो एरिया यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है वो सिर्फ इतना पार्ट है मतलब जीरो से लेके सिर्फ टी बाई टू तक के लिए, इसलिए जब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो जीरो से लेके टी बाई तक तो इंटीग्रेट कीजिएगा, बट इसका जो टोटल टाइम पीरियड है जहां से अगली वेव स्टार्ट हो रही है वो यहाँ तक है, इसलिए इसका टोटल टाइम पीरियड कैपिटल टी यूज कीजिएगा यहाँ पे, और दोनों की वैल्यू पुट कीजिएगा तो वहां से एवरेज वैल्यू आ जाती है। तो इस इक्वेशन में अगर मैं कैलकुलेट करूं आई एवरेज तो इसकी वैल्यू आती है आई नॉट बाई पाई। आपने पढ़ा होगा वहां पे एसी चैप्टर में ऑल्टरनेटिंग करंट अगर साइनसॉइडल है तो इसके लिए वैल्यू टू आई नॉट बाई पाई आती है, बट ये सिर्फ हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट कर रहे हैं इसीलिए आई नॉट बाई पाई आता है ठीक। दूसरा आरएमएस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको फॉर्मूला सिखाता हूँ। किसी भी फंक्शन की आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो ये फॉर्मूला होता है उस पर्टिकुलर फंक्शन को स्क्वायर करके आप इंटीग्रेट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टी एंड टाइम पीरियड से डिवाइड कर दीजिए एंड इस पूरे टर्म का आप स्क्वायर रूट ले लीजिए। इसी पर्टिकुलर टर्म को अगर मैं ग्राफिकल वे में देखूंगा तो इसका मतलब होता है एरिया अंडर उस पर्टिकुलर फंक्शन का स्क्वायर वर्सेस टी ग्राफ, अगर नहीं दे रखा हो तो आप खुद से प्लॉट कीजिए एफ स्क्वायर वर्सेस टी, एंड यहाँ पे मेरे पास टाइम पीरियड
इन दोनों की वैल्यू सॉल्व कीजिए, उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, तब आपके पास आरएमएस वैल्यू उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए डिफाइन हो जाएगी। अगर मैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं आरएमएस वैल्यू डिफाइन करूं, तब इसकी वैल्यू आती है आई आरएमएस इज इक्वल टू, सिर्फ हाफ साइकिल के लिए डेटा आता है आई नॉट बाय टू। आपने पढ़ा होगा वहां पे इसी चैप्टर में फुल साइकिल के लिए, तो वो था आई नॉट बाय रूट टू। अब इन दोनों टर्म से हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर सिंपली रेशियो बताता है आई आर एम एस एंड आई एवरेज का। तो आपसे जानबूझकर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है कि रिपल फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर में कितना होता है, तो आप सिंपली इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। यहां से हम टर्म कैलकुलेट करते हैं, रिपल फैक्टर इज इक्वल टू आई आर एम एस बाय आई एवरेज। ठीक, ओके। तो इतनी सारी चीजें इस पर्टिकुलर हाफ वेव रेक्टिफायर में हम डिफाइन करते हैं। मैं सेम टर्म अगर मैं फुल वेव रेक्टिफायर की यूज करूं तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि ये सारी चीजें आपको समझ आई या नहीं आई। किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज पूछ लीजिए। यस सर, समझ आ गई। ओके, नेक्स्ट होता है मेरे पास फुल वेव रेक्टिफायर विच कंसिस्ट ऑफ टू डायोड विच कैन कंडक्ट और ऑपरेट अल्टरनेटिवली फॉर इधर साइकिल ऑफ द इनपुट गिवन। जैसे अगर मेरे पास कोई ऑयल लिया, यहाँ पे कोई डायोड एक यहाँ ले लीजिए एंड एक डायोड आपने यहाँ ले लिया, यहाँ पे एक बीच में सेंटर टैप होता है इस तरह, ताकि उसके सर्किट को कंप्लीट करने के लिए एक लोअर वोल्टेज प्रोवाइड करता हो। फिर यहाँ पे होता है लोड रेजिस्टर जिसके क्रॉस हम आउटपुट लेने की कोशिश कर रहे हैं। जस्ट वन मिनट, आप जब तक लेफ्ट साइड वाले टर्म को नोट डाउन कर लीजिए, मैं एक कॉल रिसीव कर लीजिए। अब देखिए, अगर मैं फुल वेव रेक्टिफायर के लिए यूज करता हूँ सेम टर्म को, यहाँ पे कोई कॉइल लिया, ये पास यहां से यहां तक इनपुट, एक डायोड ये है, एक डायोड ये है एंड इसके क्रॉस मुझे आउटपुट लेना। देखिए वर्क कैसे करेगा। जैसे मैं यहाँ पे कोई इनपुट दूंगा, सपोज कर लीजिए फर्स्ट, ये मेरे पास इनपुट साइकिल के लिए वी आई, अब उसके क्रॉस मेरे पास आउटपुट। यहाँ पे दो डिफरेंट डायोड है, एक ये डायोड डी वन मान लीजिए, दूसरा वाला डायोड डी टू मान लीजिए। जैसे मैं पॉजिटिव इनपुट दूंगा तो पॉजिटिव इनपुट के बिहाफ पे ये जो डी वन डायोड है वो कंडक्ट करेगा अपने क्रॉस एंड उसके क्रॉस आउटपुट में जाएगा, क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस की तरह एक्ट करेगा। इसलिए डी वन के लिए फॉरवर्ड बायस ऐसे, अगले हाफ साइकिल में नेगेटिव इनपुट जब मिला तो वो रिवर्स बायस, इसलिए कोई कंडक्शन नहीं होगी, तो वो कंडक्शन जीरो। फिर उसके अगले हाफ साइकिल में पॉजिटिव इनपुट, फिर कंडक्ट करेगा, फिर आउटपुट, फिर अगले हाफ साइकिल में जीरो, कोई कंडक्शन। तो ये फर्स्ट डायोड डी वन के लिए डिफाइन हुआ। अगर मैं सेम टर्म डी टू के लिए डिफाइन करूं तो वहां पे देखिए, इसको अगर पॉजिटिव मिला था
फॉरवर्ड बायस, तो उसके रिस्पेक्ट में इसको क्या मिला होगा? नेगेटिव, ताकि दोनों टर्मिनल डिफाइंड हो पाए। नेक्स्ट हाफ साइकिल में इसको अगर मैं नेगेटिव दूं तो इसको क्या मिलेगा? पॉजिटिव। मतलब ये जब फॉरवर्ड बायस होगा तो उसके रिस्पेक्ट में ये रिवर्स बायस की तरह बिहेव करता होगा, एंड ये जब फॉरवर्ड बायस की तरह बिहेव करेगा तो उसके रिस्पेक्ट में ये रिवर्स बायस की तरह बिहेव करेगा। तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये फॉरवर्ड बायस की तरह ट्रीट होगा एंड इसके क्रॉस आउटपुट मिल जाएगा। तब उसके लिए अगर साइकिल डिफाइन करूँ तो कुछ ऐसा रिलेशन होगा, पहले के लिए रिवर्स बायस, अगले के लिए फॉरवर्ड बायस, फिर नेक्स्ट के लिए रिवर्स बायस, फिर नेक्स्ट के लिए फॉरवर्ड बायस एंड सो ऑन। तो मैं इन दोनों को कंबाइनली देखूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ उस पर्टिकुलर कर्व से कि दोनों साइकिल के लिए उसने क्या किया, आउटपुट जनरेट किया। इसीलिए इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को हम फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, विच कैन कंडक्ट फॉर बोथ इनपुट ऑफ द गिवन। इसीलिए ये दोनों साइकिल को आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए इसका आउटपुट कुछ इस तरह से डिफाइन। यहां तक कोई डाउट? इसको पहले यहां तक पहले नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। फिर मैं इसके लिए आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, रिपल फैक्टर, ये सारी चीजें कैलकुलेट करना सिखाता हूं, कितना आएगा आंसर। ओके, अब मुझे इसके लिए आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो सेम इक्वेशन जो मैंने पीछे यूज किया था वो टर्म यहाँ पे पुट कीजिए। इसके लिए आई एवरेज जो कि कंप्लीट साइकिल है, ये टर्म आ जाएगा 2 times ऑफ आई टाइम्स आई नॉट, और अगर मैं आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो इसकी वैल्यू आती है आई नॉट बाय रूट 2। इन दोनों टर्म को डिवाइड कर दीजिए, रिपल फैक्टर कैलकुलेट। अब इसके बाद कुछ और टर्म पूछता है, जैसे टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी एज कम्पेयर टू इनपुट एंड आउटपुट के बीच में क्या रिलेशन होगा, उसको डिफाइन करना, ठीक। तो वो कैसे सॉल्व करूं, तो उसके लिए रिलेशन सिखाता हूं। यहां तक सबने नोट डाउन कर लिया जो इंफॉर्मेशन की चीजें हैं वो आपके लिए, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें आपको पता होंगी पहले से। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट डिफाइन करते हैं इनपुट एंड आउटपुट के रिस्पेक्ट में टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर में एंड फुल वेव रेक्टिफायर में उसके अकॉर्डिंग। ओके, देखिए अगर मैं इनपुट देखूं एंड आउटपुट देखूं, पहला मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर यूज किया, दूसरा मैंने फुल वेव रेक्टिफायर यूज किया। मैं दो टर्म यू डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो उसके बेस पे अगर आप उस साइकिल को देखिए जो आपके पास इनपुट में था कुछ इस तरह, अगर मैं हाफ वेव रेक्टिफायर को देखूं तो हाफ वेव रेक्टिफायर में कुछ साइकिल इस तरह से था, फिर जीरो, फिर जीरो एंड सो ऑन। ये हाफ वेव के लिए था, और अगर फुल वेव के लिए डिफाइन करूं तो ये टर्म आपका कुछ इस तरह था, इस तरह। ये मेरे पास फुल वेव। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? जैसे इनपुट है, यहां से एक वेव स्टार्ट हुई तो नेक्स्ट वेव कहां से स्टार्ट होती है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। मैंने कहा कि वेव जहां पे एंड करती है वो स्टार्ट डिफाइन नहीं करता, जहां से वेव स्टार्ट हो रही है यहां से, तो नेक्स्ट वेव कहां से स्टार्ट हो रही है इस पॉइंट से, उस टोटल ड्यूरेशन को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। तो इसके टाइम पीरियड को मैंने यहां से यहां तक कैपिटल टी बोल दिया। इस वेव में देखिए, यहां से वेव स्टार्ट हो रही है, नेक्स्ट वेव यहां से स्टार्ट हो रही है, आप यहां तक मत लीजिएगा क्योंकि यहां तक ये वेव खत्म हो रही है, बट एक्चुअली में वेव स्टार्ट यहां से हो रही है, इसलिए टोटल टाइम पीरियड यहां से यहां तक लेते हैं, ठीक। तो इसके लिए भी टाइम पीरियड टी ही होगा। इसके लिए देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड
वेव स्टार्ट हुई इस पॉइंट पे, तो नेक्स्ट वेव स्टार्ट कहां से हो रही है? यहां से। इसीलिए इन दोनों के बीच का टाइम गैप ये है जो ऊपर के हाफ है, इसलिए आप इसको बोल सकते हैं टी बाई टू। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो इनपुट के लिए टाइम पीरियड टी, फ्रीक्वेंसी एफ, इसके लिए भी इनपुट टाइम पीरियड टी, फ्रीक्वेंसी एफ। तो आउटपुट फॉर हाफ साइकिल कोई चेंज नहीं करता, उसके लिए भी टाइम पीरियड टी होता है, फ्रीक्वेंसी एफ। बट इसमें चेंज करता है टाइम पीरियड, यहाँ पे क्या हो गया हाफ, तो फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाएगी डबल। तो ये याद रखिएगा कि फुल वेव रेक्टिफायर में टाइम पीरियड हाफ हो जाता है एंड फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इज अप्लाइड अक्रॉस फुल वेव रेक्टिफायर देन फाइंड इट्स टाइम पीरियड। याद रखिएगा उस इनपुट के टाइम पीरियड का हाफ हो जाता है एंड फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज अननोन होगी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां तक क्लियर? यस सर। एक टर्म और हम डिफाइन करते हैं इससे रिलेटेड, जैसे यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही हैं आउटपुट में, उसको देखने से आपको फील होगा कि फ्लक्चुएटेड वैल्यूज हैं। इन वैल्यूज को मुझे अनफ्लक्चुएटेड अगर बनाना हो तो उसके लिए हम एक यूज करते हैं फिल्टर सर्किट। तो कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिल्टर सर्किट का कॉम्बिनेशन क्या होता है एंड उसमें चीजें कैसे इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करती हैं। तो फिल्टर सर्किट कंसिस्ट ऑफ कोई कैपेसिटर विद लोड रेजिस्टर या कोई इंडक्टर विद लोड रेजिस्टर। ठीक, वो कैसे होगा? एक मिनट। फिल्टर सर्किट में डिफाइन कैसे होता है? तो सपोज कर लीजिए कोई एक कैपेसिटर कनेक्टेड विद लोड रेजिस्टर इन पैरेलल। तो ये वर्क कैसे करता है? तो कहता है जितनी देर में ये वैल्यूज इंक्रीज करती होती है, देर में कैपेसिटर चार्ज होता रहता है, जैसे ये वैल्यू डिक्रीज करने लगती है तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होता है, ताकि इस लोड रेजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको क्या कर दे, कॉन्स्टेंट कर दे। इसीलिए जब हम फिल्टर सर्किट यूज कर लेते हैं तो आपके पास जो सर्किट होता है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ से वैल्यू इंक्रीज करते गए, यहाँ पे अब वो डिक्रीज नहीं करती, यहाँ तक ऐसे हो जाती है, फिर इस तरह ऐसे, फिर इस तरह ऐसे। इसीलिए आफ्टर यूजिंग फिल्टर सर्किट वी गेट अनफ्लक्चुएटेड आउटपुट और डीसी आउटपुट। यहाँ तक कोई डाउट? ओके, सो हमने रेक्टिफायर पूरा टर्म डिफाइन कर दिया। इससे ज्यादा चीजें आपको रेक्टिफायर में नहीं पूछ सकते। नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं ऑप्टोट्रॉनिक, मतलब वो डिवाइसेस जो लाइट सेंसिटिव हो, मतलब सनलाइट और रेडिएशन और फोटोन के बेस पे एक्टिवेट होती हो, आइदर लाइट एब्जॉर्ब करते हैं या लाइट एमिट करते हैं उसके हिसाब से। जस्ट वन मिनट। ओके, तो इसमें आपको दो तीन चीजें पढ़नी है। पहला आपको पढ़ना है फोटोडायोड, पढ़ना है आपको एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, एंड तीसरा पढ़ना है आपको। इसमें इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें आपको याद रखनी होगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा और कुछ नहीं। पहली चीज फोटोडायोड होता क्या है? तो आप बोलिएगा रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, या इसका यूज एज काउंट करने के लिए सब्सटेंस को,
अगर फैक्ट्री में बहुत लार्ज नंबर ऑफ गुड्स हो तो काउंट करने के लिए किसी इंडिविजुअल को बैठाऊंगा तो मे भी वो गलती कर सकते हैं, तो उन जगह में इसको यूज करते हैं। ये वर्क कैसे करता है? रिवर्स बैस में, ठीक, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है एंड उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन होल्स का पेयर प्रोडक्शन होता है जो कंडक्ट करता है क्रॉस जंक्शन, जिसके बेस पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है एंड उसके बेस पर बल्ब ग्लो कर सकता है सेंस करने के लिए ताकि वहां पर कोई रेडिएशन हो रही है। तब इसमें बेसिकली उसने रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, तो जो रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है उसकी कुछ एनर्जी हो सकती है आइदर एच सी बाई लैम्डा आइदर एच न्यू। ये जो एनर्जी होनी चाहिए उसको एक्टिवेट करने के लिए उस एनर्जी गैप से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। अगर एनर्जी गैप से ज्यादा है तो वो फोटोडायोड एक्टिवेट कर पाएगा, अगर कम हुई तो एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। तो इसके हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उस पर्टिकुलर रेडिएशन की वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए ताकि इस पर्टिकुलर एनर्जी गैप को डिफाइन कर पाए। इसके बेस पे जेई में क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको वो दिखाता हूँ। उसने कहा सेमीकंडक्टर फोटोडायोड कैन डिटेक्ट अ फोटोन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ 400 नैनोमीटर देन डिफाइन द एनर्जी गैप ऑफ दैट पर्टिकुलर फोटोडायोड। मतलब उसने वेवलेंथ दे दिया 400 नैनोमीटर एंड उसने पूछा कि एनर्जी गैप उस पर्टिकुलर डायोड की कितनी होगी, तो आप डायरेक्टली इस टर्म को इक्वेट कीजिए, वहां से एनर्जी गैप की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। दूसरा इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो करंट होगा जो फ्लो करता होगा उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद वो इंटेंसिटी के हिसाब से कैसे चेंज कर सकता है। तो हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था कि करंट एंड इंटेंसिटी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं नंबर ऑफ फोटोन बढ़ता है, इसीलिए एब्जॉर्ब एनर्जी उस पर्टिकुलर डायोड की वजह से इंक्रीज करेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इंक्रीज करेंगे इसलिए करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसीलिए करंट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ये याद रखिएगा फोटोडायोड। नेक्स्ट होता है मेरे पास एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, ये वर्क करता है फॉरवर्ड बायस में। इसकी वजह से होता क्या है, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आपस में रिकॉम्बिनेशन करते हैं, उसमें जो एनर्जी इवॉल्व करती है वो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन एमिट करता है एंड इसकी बेस पे वो ग्लो करता है। फिर वो इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर अगर कंबाइन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन होल्स की डेंसिटी कम हो जाएगी, तो उस चीज को फुलफिल करने के लिए एक्सटर्नल वोल्टेज देते हैं ताकि फिर से वो वोल्टेज इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर का क्रिएशन कराए ताकि ओवरऑल नेट नंबर ऑफ चार्ज करियर इन द होल डायोड रिमेन सेम होना चाहिए। तो ये क्या करता है, इसका उल्टा काम करता है, एनर्जी एच सी बाई लैम्डा के फॉर्म में वो एमिट करता है, ये एब्जॉर्ब करता है और ये एमिट करता है और ऑन द बेस ऑफ दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ अलग अलग कलर की एलईडीज हमें मिलती हैं। जैसे लाइट रेड कलर की हो सकती है, ग्रीन कलर की हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन एनर्जी गैप कितना हमने दिया है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितनी है। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लीजिए मुझे रेड कलर का एलईडी बनाना हो तो मुझे एनर्जी गैप कितनी रखनी पड़ेगी, ठीक, तो रेड कलर की आपको वेवलेंथ पता होगी, उसके हिसाब से आप एनर्जी गैप कैलकुलेट कर लीजिएगा, वो एनर्जी उस एनर्जी गैप के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है मेरे पास सोलर सेल। सोलर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें कोई बायसिंग नहीं होती, ठीक, इसमें तीन मेन स्टेप्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से? पहला स्टेप होता है कि लाइट का फॉल करना उस पर्टिकुलर जंक्शन के ऊपर जिसके बेस पे उसके इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर प्रोडक्शन करें, ठीक, फॉलिंग ऑफ रेडिएशन, उस रेडिएशन की वजह से प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल एंड उसकी वजह से जो जंक्शन पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन को एन साइड एंड होल्स को पी साइड मूव करा देता है ताकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर पाए एंड उसी मूवमेंट के बेस पे अगर मैं बैटरी कनेक्ट करता हूँ तो बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देता है, ठीक। तो थर्ड काम होता है स्वीपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स एन साइड एंड होल टूवर्ड्स पी साइड टू बिल्ड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट, इसीलिए तीन मेन स्टेप्स होते हैं।
इन तीनों का बेसिकली ग्राफ पूछ दिया था वहां पे जेई में, इसलिए ग्राफ याद रखिएगा। ठीक, मैं आपको ग्राफ पे रीड आउट कर देता हूँ। इसके लिए ग्राफ होता है कुछ इस तरह, ये होता है मेरे पास करंट, ये होता है मेरे पास वोल्टेज, इसके लिए कर्व कुछ इस तरह से डिफाइन होता है। इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग वोल्टेज एट ओपन सर्किट, एंड ये होता है मेरे पास करंट एट शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मैक्सिमम वैल्यू शो करता है, एंड ये ओपन सर्किट मैक्सिमम वोल्टेज शो करता है। तो ये कुछ इस तरह से कर्व डिफाइन करता है। इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है क्या आप आगे पढ़िएगा अगर आपने फिजिक्स ली तब। अब आपके सिलेबस में इससे ज्यादा एलेबोरेट नहीं करने को कहा, इसलिए आप सिर्फ ग्राफ याद रखिए। एलईडी चूंकि फॉरवर्ड बायस में, तो फॉरवर्ड बायस के लिए जैसे हमने डायोड के लिए ग्राफ पढ़ा था कुछ इस तरह से, ये याद रखिएगा। यहाँ पे फोटो डायोड रिवर्स बायस में एंड करंट के हिसाब से इंटेंसिटी चेंज करने के बेस पे इसका कर्व कुछ इस तरह से आता है। डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के लिए करंट की वैल्यू डिफरेंट होगी, ठीक है, अलग अलग इंटेंसिटी I1, I2, I3 एंड सो ऑन। ये तीन मेन ग्राफ याद रखिए एंड इसके फंक्शन इस तरह से याद रखिए। यहां तक सबको क्लियर ये सारी चीजें? किसी को कोई डाउट? मिर्जा साहब आपको चीजें समझ आई? यस सर, ये वाला आया। ओके गुड। शिबा रियाज समझ आ गया? यस। ओके, अब देखिए इसके बाद हमने डायोड की सारी फंक्शनिंग डिफाइन कर ली। एक बहुत इंपॉर्टेंट डायोड होता है जिसके बेस पे आप कैलकुलेशन करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर वो टफ क्वेश्चन पूछेंगे तब, दैट इज ज़ेनर डायोड। तो ज़ेनर डायोड में कैलकुलेशन कैसे करते हैं और क्या काम होता है, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल बताता हूँ। ज़ेनर डायोड एक डायोड जिसका काम होता है वोल्टेज को रेगुलेट करना, मतलब एक फिक्स आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टर डिफाइन करना। अब वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। तो ज़ेनर डायोड ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस, इसकी जो जंक्शन वोल्टेज होती है बहुत थिन होती है, ठीक, थिन डेप्लेशन रीजन, और इसको अचीव करने के लिए उसमें डोपिंग बहुत ज्यादा की होती है, इसलिए हेवीली डोप्ड। ये कैरेक्टरिस्टिक है उस पर्टिकुलर ज़ेनर डायोड के लिए। अब देखिए वर्क कैसे करेगा। मान लीजिए आपके पास कोई एक रेजिस्टर है यहाँ पे कनेक्टेड, यहाँ पे कोई ज़ेनर डायोड। ज़ेनर डायोड को नॉर्मल डायोड के साथ अगर मैं डिस्टिंग्विश करूँ तो आप यहाँ पे जो सिंपल डंडा था इस तरह उसको जेड के फॉर्म में बना लीजिए इस तरह, ये ज़ेनर डायोड हो जाता है। इसके क्रॉस कोई भी एक रेजिस्टर कनेक्ट करते हैं पैरेलल में यहाँ से यहाँ पर, जिसको हम लोड रेजिस्टर भी बोल सकते हैं। लोड रेजिस्टर हम उसको बोलते हैं जिसके क्रॉस हमें आउटपुट चाहिए होता है, ठीक है। एक अब देखिए क्या है यहाँ पे, ये जो ज़ेनर डायोड है इसके अक्रॉस मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो हमने पढ़ा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस, जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा, वही आउटपुट क्या करेगा मेजर करेगा। अब देखिए होता क्या है, जो रजिस्टर है उस रजिस्टर को आप भी रजिस्टर मान लीजिए R1, RS कुछ भी अज्यूम कर लीजिए, RS मान लीजिए, इसको लोड रेजिस्टर RL मान लीजिए। यहाँ पे मेरे पास इनपुट है VI। अगर मैंने इनपुट वोल्टेज को इस ज़ेनर वोल्टेज के ब्रेकडाउन वोल्टेज से स्मॉलर वैल्यू दिया, इसका अपना कुछ वोल्टेज होगा VZ, जिसको ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं और ज़ेनर वोल्टेज बोलते हैं। तो रिवर्स बायस में हमने पढ़ा था कि कंडक्शन जो होता है वो ज़ेनर वोल्टेज और ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद स्टार्ट होता है, उसके पहले नहीं होता।
अगर मैंने इनपुट वोल्टेज की वैल्यू जेनर वोल्टेज से कम दी तो कोई कंडक्शन नहीं होगा इस पर्टिकुलर सर्किट में, ये याद रखिएगा। वी आई लेस देन वी जेड तो आप बोलेगा नो कंडक्शन, जब कोई कंडक्शन नहीं होगा तो करंट इन द सर्किट जीरो होगा। यहाँ पे टोटल करंट इसमें आई जेड और इसमें आई एल, ठीक। लेकिन जैसे ही अगर इनपुट वोल्टेज जेनर वोल्टेज से ज्यादा हो जाए तो उसमें कंडक्शन होना शुरू होता है। अब कंडक्शन होने के लिए क्या होगा, जो जेनर वोल्टेज है उसकी जितनी वोल्टेज रिक्वायरमेंट है उतना पहले वो ले लेता है, बाकी सारे वोल्टेज वो किसको दे देगा, इस पर्टिकुलर टर्म को। तो इस वी आई में जो टोटल अमाउंट ऑफ वोल्टेज है उसका जेनर अमाउंट ऑफ वोल्टेज वो एब्जॉर्ब कर गया एंड वही वोल्टेज उस आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तब आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू जेनर वोल्टेज एंड दैट वुड बी इक्वल टू करंट थ्रू लोड रेजिस्टर इनटू रेजिस्टेंस। हम यहां से इसको सॉल्व करते हैं, जो बच गई वोल्टेज वो इसके क्रॉस जाएगी तो वो अमाउंट कितनी बच गई, वी इनपुट में से वी जेड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए उतना वोल्टेज एंड दिस शुड बी इक्वल टू टोटल करंट इन द सर्किट टाइम्स आर एस। यहां से IT भी सॉल्व हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ सम ऑफ ऑल करंट एट दिस पर्टिकुलर जंक्शन शुड बी जीरो, टोटल इनवर्ड करंट शुड बी इक्वल्स टू टोटल आउटवर्ड करंट। तो इनवर्ड करंट यहां पे कौन है, I टोटल, आउटवर्ड करंट कौन है, IZ प्लस IL। सो I टोटल शुड बी इक्वल्स टू IZ प्लस IL। तो इसकी वैल्यू मुझे पता है यहां से, इसकी वैल्यू मुझे पता है यहां से, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो हर क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन पूछेगा तो IZ कैलकुलेट करने के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे पहले इसको नोट डाउन कीजिए, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ उसको बेस्ड एक अच्छा सा। ऊपर वाला टर्म लिख लीजिए एंड सेम टर्म में वैल्यूज पुट करने की कोशिश कीजिए एंड आई जेड की वैल्यू फाइंड कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए देखिए आंसर कितना होता है। बहुत आसान कंसेप्ट है अगर आपको तीन फॉर्मूले याद रहेंगे तब। इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई डाउट, अमन नो सर इसको सॉल्व कीजिए एक बार। फातिमा सॉल्व हुआ आपसे,
शिबा मिर्जा समझ आया आपको? यस सर कर रहे हैं। ओके सिंपली जो ऊपर मैंने तीन इक्वेशन दिया है उन्हीं पे बस वैल्यूज पुट करते जाइए, अपने आप सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, इसमें कोई एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं है। बट हर क्वेश्चन के लिए एक बात जरूर याद रखिएगा, चेक कीजिएगा कि इनपुट उस पर्टिकुलर ज़ेनर डायोड के वोल्टेज से बड़ा होना चाहिए तभी वो कंडक्ट कर पाएगा, अदरवाइज कंडक्ट नहीं कर पाएगा। आई थिंक मिली एम्पियर में आंसर आएगा। देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, देखिए कैसे। पहले मैंने कैलकुलेट करा इस पर्टिकुलर इक्वेशन से, VZ की वैल्यू आपको 5.6 है, RL की वैल्यू आपको 800 है, तो यहां से IL की वैल्यू आ जाएगी। सो IL इज इक्वल्स टू 5.6 डिवाइडेड बाय 800, पॉइंट हटा दीजिए नीचे जाएगा 10, 8756 मतलब 7 मिली एम्पीयर IL आ गया। दूसरा काम कैलकुलेट कीजिए IT, IT इज एक्सटर्नल वोल्टेज माइनस ज़ीनर वोल्टेज, दैट इज 9 माइनस 5.6 तो हो जाएगा 3.4 डिवाइड बाय 200, 3.4 डिवाइड बाय 200 इज 17 मिली एम्पीयर। अब इस पर्टिकुलर टर्म को इस इक्वेशन पुट कर दीजिए तो IZ should be equals to IT minus IL, 17 milliampere minus 7 milliampere is simply 10 milliampere. 0.01 हो सकता था मिस्टर साहब, आपने शायद थोड़ा डेसिमल में गड़बड़ी कर दी। यस सर ये समझ आया सबका आंसर इतना आ रहा है? yes, ओके तो हमने डायोड डायोड की जितनी सारी चीजें फंक्शनिंग के सब हमने पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर एक्चुअली में कॉम्बिनेशन तीन डिफरेंट टर्म का, ठीक, जैसे हमने डायोड में पढ़ा था वहां पे दो चीजों का कॉम्बिनेशन था, यहाँ पे तीन चीजें कंबाइन करती हैं, ठीक, कुछ इस तरह से। अभी कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है मैं आपको वो दिखाता हूँ। जैसे देखिए यहां पे मैंने लिया पी टाइप, एन टाइप, फिर पी टाइप, मतलब एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को दो पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मर्ज कर दीजिए, तब जो अरेंजमेंट मिलता है उसको एक ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ट्रांजिस्टर एक्चुअली मतलब होता है ट्रांस एंड रेजिस्टर, उन दोनों के कॉम्बिनेशन, मतलब इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंजेबल हो सकती है इस कॉम्बिनेशन में, इसीलिए इसका नाम ट्रांजिस्टर पड़ता है।
दूसरा अरेंजमेंट है NPN, दो N के बीच में एक P को मर्ज कर दीजिए। अब जैसे ही मैं मर्ज करूंगा तो यहाँ पे दो डिफरेंट जंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, एक जंक्शन यहाँ पे एक जंक्शन यहाँ पे, तो उस जंक्शन की अपनी कुछ नेमिंग होती है, ठीक, एंड स्टेट फिक्स्ड कुछ वैल्यूज डिफाइन होती है। तो फर्स्ट जंक्शन जो ये है, ठीक, ये एक थिन जंक्शन होता है जहाँ पे कंडक्शन इजीली हो सकता है। एक दूसरा जंक्शन ये है, ये थोड़ा सा थिक होता है जहाँ पे कंडक्शन नहीं होता, उसी तरह यहाँ पे ये थोड़ी थिक वैल्यू एंड उसी तरह यहाँ पे थोड़ी थिन वैल्यू। ठीक, अगर मैं इसका सर्किट ड्रॉ करूँ तो कुछ आपको इस तरह से डिफाइन होगा, यहाँ से एक इधर, इधर फर्स्ट जो अरेंजमेंट होता है इसको पी को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं, सेकंड जो अरेंजमेंट होता है पी को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं, कुछ इस तरह। अब इस अरेंजमेंट में देखिए, ये पॉजिटिव पार्ट ये नेगेटिव पार्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड, तब ये कॉम्बिनेशन फॉरवर्ड बायस की तरह बिहेव कर रहा होगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, तो ये टर्मिनल रिवर्स बायस की तरह बिहेव करता होगा। इसलिए बोल सकते हैं एक ट्रांजिस्टर में एक सेक्शन फॉरवर्ड बायस होता है, इसीलिए इसका जो डिप्लेशन रीजन है या विड्थ है थिन होती है एंड वहां पर कंडक्शन होता है। दूसरा जो जंक्शन है वो रिवर्स बायस, इसीलिए यहाँ पे ये थिक है। ठीक, तब उसके बेस पे जो फॉरवर्ड बायस के साथ कनेक्टेड होता है फर्स्ट टर्मिनल, उसको हम इमीटर बोलते हैं। जो लास्ट जो रिवर्स बायस में कनेक्टेड होता है उसको हम कलेक्टर बोलते हैं। इन दोनों के इन बिटवीन जो ब्रिज की तरह इंटरमीडिएट की तरह काम करता है, इसका नाम बेस होता है। तो यहाँ पे तीन डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, पहला इमीटर जो चार्ज को अलाउ करता है या चार्ज डोनेट करता है उस पर्टिकुलर कंडक्शन के लिए, दूसरा होता है मेरे पास बेस विच एक्ट्स एज अ ब्रिज और कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस इट, एंड तीसरा होता है कलेक्टर जिसमें सारा चार्ज कलेक्ट होता है। अब इन तीनों के बेस पे आपको नीट ने क्वेश्चन पूछा था कंसेंट्रेशन ऑफ डोपिंग के बेस पे इसका रिलेशन क्या होगा, साइज के बेस पे इसका रिलेशन क्या होगा। तो साइज के बेस पे अगर मैं बोलूं तो आपको दिखाई दे रहा है कि कलेक्टर सबसे बड़ा है, उसके बाद इमीटर है एंड सबसे छोटा बेस दिखाई दे रहा है। ऑन द बेस ऑफ डोपिंग हेवीली डोप इमीटर होता है, उसके बाद बेस होता है एंड सबसे पार्शियली डोप कलेक्टर होता है। तो ये दो अरेंजमेंट याद रखिएगा। सेम टर्म अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो उसके लिए फर्स्ट टर्मिनल को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दीजिए, सेकेंड टर्मिनल को रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दीजिए, कुछ इस तरह। तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, ये हो जाएगा रिवर्स बायस, यहाँ पे भी सेम सेम। अब मैं यहाँ पे देखूँ कंडक्शन कौन करा रहा है उस दोनों टर्मिनल में, यहाँ पे देखिए पी साइड है जो एमिटर है और इमीटर कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमने पढ़ा था पी टाइप में होल्स का अमाउंट ज्यादा होगा, मतलब होल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन अक्रॉस जंक्शन। यहाँ पे एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता होगा इस तरह। हमने पीछे पढ़ा था कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ऑफ होल्स से ज्यादा होती है, एक मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहाँ से कंक्लूड क्या कर सकता हूँ, कौन ज्यादा बेहतर होगा एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। मेरी आवाज सबको जा रही है, मैंने कुछ सवाल पूछा कि कौन ज्यादा बेहतर होगा एनपीएन और पीएनपी। हे भगवान, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है होल से, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पे होल्स रिस्पॉन्सिबल, तो मैं कौन सा बोलूंगा एनपीएन। इसीलिए अब याद रखिएगा एनपीएन प्रेफर्ड होता है, इसीलिए आपको पूरे फिजिक्स में या पूरे सेमीकंडक्टर में सिर्फ एनपीएन पढ़ाया जाता है। पहली बात क्लियर, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट, इस एनपीएन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होता है, एक सर्कल बना दीजिए कुछ इस तरह, सर्कल बना दीजिए इस तरह, ठीक। जो बेस है जो बेस है
यहाँ पे इस तरह एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये बेस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, डिस्टिंग्विश पार्ट सिर्फ कौन सा है? एमिटर। तो एक लाइन ड्रॉ कीजिए यहाँ पे, एक लाइन ड्रॉ कीजिए यहाँ पे, ये एमिटर है। और एक मिनट, देखिए इसको डिस्टिंग्विश कैसे करें। तो यहाँ पे देखिए जो करंट है वो इनसाइड की तरफ जा रहा है, मतलब टूवर्ड्स बेस। जो करंट होता है जहाँ से फ्लो करता है, जो इमीटर का सेक्शन होता है वहां पे हम एरो बनाते हैं, इसके एरो इस पे बना दीजिए। यहाँ पे करंट आउटसाइड जा रहा था तो एरो इसे बना दीजिए। करंट पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन के अलॉन्ग डिफाइन होता है। इन दोनों में मैं बोल सकता हूँ कि अगर एरो इनवर्ट टू द जंक्शन हो या इनवर्ट टू द बेस हो तो वो पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा, एंड अगर एरो आउटसाइड हो तो एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, किसी भी सर्किट से मुझे मैक्सिमम आउटपुट गेन करना है। मैक्सिमम आउटपुट गेन करने के लिए इस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर को मैं अलग अलग तरह से अरेंज कर सकता हूँ, जिसको हम बोलते हैं कॉन्फिगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। अब वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ, एंड उसके बेस पे आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। यहां तक किसी कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए एक बार। तो हम नेक्स्ट डिफाइन करते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में जो इमीटर होगा या बेस होगा वो हमेशा इनपुट की तरह काम कर सकता है, कभी भी आउटपुट या रिवर्स बायस की तरह एक्ट नहीं कर सकता। जो कलेक्टर होगा, बेस होगा, वो हमेशा आउटपुट की तरह हो सकता है, मतलब ये डिफाइन कर सकते हैं कि इमीटर कभी आउटपुट की तरह नहीं होगा, कलेक्टर कभी इनपुट की तरह नहीं होगा, क्योंकि जो चार्ज करियर है या चार्ज का जो अमाउंट है वो इस एमिटर में होता है, एंड चार्ज कलेक्ट करने की एबिलिटी इस आउटपुट कलेक्टर में होता है, इसलिए ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब इस वे में मैं उस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर को तीन तरह से अरेंज कर सकता हूँ। ये चीज समझिएगा तो पूरा ट्रांजिस्टर आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले मैंने बेस को यहां पर ड्रॉ कर दिया, नेक्स्ट मैंने बेस को यहां पर ड्रॉ कर दिया, नेक्स्ट मैंने बेस को यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। मैं अरेंजमेंट अलग अलग चेक कर रहा हूँ, इसीलिए एमीटर मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, इसमें इसमें एमीटर मैंने यहाँ ड्रॉ किया, इसमें मैंने एमीटर यहाँ ड्रॉ किया, कलेक्टर्स के कॉरेस्पॉन्डिंगली यहाँ पर ड्रॉ किया, यहाँ पर ड्रॉ किया, एंड यहाँ पर ड्रॉ किया। अब देखिए मुझे आउटपुट लेना है, तो यहाँ से आउटपुट ले लीजिए ये टर्म, यहाँ से आउटपुट ले लीजिए ये टर्म, एंड यहाँ से आउटपुट ले लीजिए। नेक्स्ट अगर मैं कलेक्टर को देखूं, एमिटर को देखूं, कितनों डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, सबको समझ कुछ चीजें नहीं आती होंगी, कोई बात नहीं, मतलब ये तीनों आपको डिफरेंट डायग्राम को दिख रहा है। देखिए डिफरेंट डायग्राम इन द सेंस मैंने क्या ड्रॉ किया है। फर्स्ट डायग्राम देखिए, ये जो मैंने ब्लू लाइन रिप्रेजेंट की है बेस के लिए, तो बेस आपको इनपुट के साथ भी है, बेस आपको आउटपुट के साथ भी है, इसीलिए मैं इसको कॉमन बेस बोल सकता हूँ। कॉमन बेस
या इसको सीबी डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखिए जो एमिटर है वो बेस के साथ भी है, कलेक्टर के साथ भी है, इसलिए इसको हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। एंड यहाँ पे जो कलेक्टर है वो इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसलिए इसको कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। लेफ्ट साइड हमारा इनपुट डिफाइन करता है, राइट साइड आउटपुट डिफाइन करता है। ये जो टर्मिनल जो दोनों में कॉमन है वो लोअर वोल्टेज को बताता है या पोटेंशियल डिफरेंस के जनरेट करने के लिए मुझे दो टर्मिनल चाहिए होता है तो एक सेकंड टर्मिनल को डिनोट करता है। तो फर्स्ट टर्मिनल यहाँ पे ये कौन सा है, इमीटर सेक्शन, इसीलिए यहाँ पे जो करंट फ्लो करता होगा वो इमीटर। ये सेक्शन जो है वो कलेक्टर, तो इसीलिए यहाँ पे जो करंट फ्लो करता होगा वो कलेक्टर। तो मैं यहाँ पे इनपुट बोल सकता हूँ इसको, आउटपुट बोल सकता हूँ इसको। इन दोनों का अगर मुझे रेशियो चाहिए तब उसको बोलते हैं करंट गेन फैक्टर और आउटपुट बाय इनपुट का रेशियो। आइदर इन टर्म्स ऑफ करंट ले सकता हूँ, आइदर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज ले सकता हूँ, आइदर पावर ले सकता हूँ। तो हमें तीन तरह का गेन फैक्टर चाहिए होता है, करंट गेन फैक्टर, पावर गेन फैक्टर, वोल्टेज गेन फैक्टर। तो अभी मैं देख रहा हूँ सिर्फ करंट गेन फैक्टर, मैं आगे आपको रीजन सिखाऊंगा का पावर वोल्टेज कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास IC आउटपुट हो गया, IE इनपुट हो गया, तब इसको हम बोलते हैं अल्फा विच इज IC बाई IE। सेकेंड टर्म देखिए, ये टर्म मेरे पास क्या है, बेस, तो इसमें जो करंट फ्लो करता होगा IB। ये मेरे पास है कलेक्टर, तो इसमें जो करंट फ्लो करता होगा IC, तो इसके लिए बोलते हैं बीटा विच इज IC बाई IB। इसमें मेरे पास आउटपुट है बेस एंड इनपुट है मेरे पास एमिटर, ठीक। तो इसके लिए होता है गामा विच इज आउटपुट बाय इनपुट। अब मुझे इन तीनों टर्म में एक रिलेशन होता है किरचॉफ्स करंट लॉ के बेस पे, IE इज इक्वल्स टू IB प्लस IC, क्योंकि IE रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्शन के लिए। यहाँ तक चीजें क्लियर है सबको? Yes, sir. Okay. अब देखिए मैंने यहाँ पे डिफाइन किया IE is equals to IB plus IC, तो अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं ये होता है मेरे पास 100%, तो ये सिर्फ 5% या 8% तक मैक्सिमम हो सकता है, तो बाकी जो बच गया 95% वो इधर जाएगा। तो मैं इनके बेस पे इनकी वैल्यू पुट करूं, IC देखिए 95 अपॉन आई देखिए 100, तो ये जो पूरा रेशियो होगा 0.95 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ देखूँ आई सी बाई आई तो 95.5, तो ये पूरी वैल्यू 19 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ देखूँ आई बी विच इज 5/100 तो 0.05। अब अगर मैं आपको तीनों में वैल्यूज पूछूँ सबसे ज्यादा वैल्यू किस पर्टिकुलर कॉन्फिग्रेशन के लिए है, दिखाई दे रहा है कुछ मैक्सिमम वैल्यू किस अरेंजमेंट में और किस कॉन्फ़िगरेशन में मैक्सिमम आउटपुट जनरेट हो रहा है? देखने से ये लग रहा है 0.95 विच इज लेस देन 1, ये मेरे पास 19 विच इज वेरी फार फ्रॉम 1, और ये मेरे पास 0.0005 बहुत छोटा एज कंपेयर टू 1। तो सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको, बीटा। इसीलिए सी कॉन्फ़िगरेशन बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है किसी भी आउटपुट मैक्सिमम जनरेट करने के लिए, बट आपके सिलेबस में ये दोनों सीक्वेंस पढ़ना, ठीक, ये सीक्वेंस यहाँ पे नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक। तो मेनली जो एनसीईआरटी में वो सिर्फ सी कॉन्फ़िगरेशन है, बट मैं आपको दोनों टर्म पढ़ाऊंगा क्योंकि एक जे मतलब नीट में क्वेश्चन पूछा था इन दोनों के बेस पे आउटपुट में क्या डिफरेंस होता है, इसलिए वो भी पता होना चाहिए। ये कॉन्फ़िगरेशन सबको समझ आया या किसी में किसी कोई डाउट? कोई डाउट हो तो सवाल पूछ लीजिए, कोई भी पार्ट आपको समझ में आ तो।
फातिमा शिबा यस सर ओके अब देखिए इसके बाद मैं इसमें आपको सीबी कॉन्फ़िगरेशन एंड सी कॉन्फ़िगरेशन तो मेरी मैं आपको सी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाऊंगा और सीबी कॉन्फ़िगरेशन का रिलेशन बताऊंगा तो देखिए सी कॉन्फ़िगरेशन दिखता कैसे है उसके क्रॉस हम क्या क्या टर्म डिफाइन करते हैं तो ये मेरे पास कोई ट्रांजिस्टर लिया मैंने एक मेरे पास बेस यहां पे ठीक इसके लिए इनपुट यहां ले लीजिए एक सर्किट ये मेरे पास एंड देन फिर कलेक्टर यहां पर सर्किट से घबराइएगा मत मैं इससे रिलेटेड जो कैलकुलेशन सिखाऊंगा वो आपको याद होना चाहिए सर्किट आपको याद हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता बट सर्किट मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको चीजें आसानी से समझ आ जाए मुझे किसी भी सर्किट में कंप्लीट करने के लिए आपको क्या क्या चीज बताना चाहिए उसमें एक बैटरी होनी चाहिए एक अमीटर होना चाहिए एक रेजिस्टर होना चाहिए एक वोल्ट मीटर होना चाहिए इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए तो पहले देखिए इनपुट है इनपुट बेस है इसलिए यहाँ पे एक बैटरी लगी होती है कुछ इस तरह इस बैटरी का नाम होता है बी 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 ठीक तो बी 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 जहां डिनोटेड हो तो उसका मतलब होगा बैटरी अक्रॉस बेस उसी तरह यहाँ पे एक रेजिस्टर होता है इसका नाम होता है आरबी या इसी चीज को इनपुट रेजिस्टर बोल सकते हैं यहाँ पे एक एमीटर होता है कनेक्टेड इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए एक वोल्टमीटर कनेक्टेड होता है यहाँ से यहाँ तक तो मैं अगर सवाल पूछूं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके किसके बीच में मेजर कर रहा है तो आप क्या बोलिएगा बेस और एमीटर के बीच में इसीलिए इसका नाम होता है बेस एमीटर वोल्टेज यहां तक किसी को कोई डाउट नो सर गुड नेक्स्ट होता है मेरे पास यहां पे एक रेजिस्टर तो वो कलेक्टर के लिए है इसलिए इसको हम आरसी बोल सकते हैं आरसी एक्चुअली में लोड रेजिस्टर भी डिफाइन कर सकता है आर नॉट भी डिफाइन कर सकता है आर भी यहां पे आर इनपुट भी डिफाइन कर सकता है यहां पे एक अनदर बैटरी लगाते हैं कुछ इस तरह इस पर्टिकुलर बैटरी को बोलते हैं वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर तो इसलिए सीसी बोलते हैं यहाँ पे एक एमीटर होता है ठीक एंड अगर मैं इस दोनों के बीच में अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करूं वोल्टेज यहां से यहां तक तो किसके किसके वोल्टेज को मेजर किया इस पॉइंट एंड इस पॉइंट के बीच का तब इस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं कलेक्टर एंड एमीटर सीई वोल्टेज ठीक एंड इस पर्टिकुलर टर्मिनल को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे एक अर्थिंग कनेक्टेड होता है ताकि लेफ्ट साइड वाला फॉरवर्ड बायस हो राइट साइड वाला रिवर्स बायस हो हम यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल कैपेसिटर लगाते हैं जो इनपुट एसी सिग्नल को आउटपुट डीसी में कन्वर्ट कर दे ताकि सर्किट उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म कर पाए एंड यहाँ पे हम कोई आउटपुट वोल्टमीटर लेते हैं या वोल्टेज मेजर करते हैं इस पर्टिकुलर के अक्रॉस ये पूरा सर्किट से रिलेटेड आपको तीन इक्वेशन बस याद होना चाहिए और उसी पे पूरा ट्रांजिस्टर बेस्ड होता है मैं आपको तीन इक्वेशन बताता हूँ फर्स्ट अगर मैं बीई के लिए डिफाइन करूँ तो यहाँ पे आप बोलिएगा वी इनपुट इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वोल्टेज बी बी माइनस आई बी आर बी ये फर्स्ट इक्वेशन रिलेटेड टू इनपुट बी आउटपुट इज इक्वल टू बी सी ई व्हिच इज इक्वल टू बी सी सी माइनस आई सी आर सी ये आउटपुट वोल्टेज के लिए एंड तीसरा अगर मैं करंट लिखूं तो आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी देखिए कैसे यहाँ पे करंट फ्लो करता होगा एमीटर में दैट इज कॉल्ड एमीटर करंट ये करंट नीचे आया तो एक इधर की तरफ बेंड कर गया दैट इज कॉल्ड बेस करंट
और एक इधर की तरफ ब्रेक कर गया, दैट इज कॉल्ड करेक्ट करंट. अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल, सम ऑफ ऑल इनवर्ड करंट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल आउटवर्ड करंट, इसलिए एक रिलेशन ये आता है. तो मैं यहां से लिख सकता हूं, एक इक्वेशन मेरे पास ये है ठीक इनपुट के लिए, एक इक्वेशन ये है करंट के बेस पे, और एक इक्वेशन ये है ठीक आउटपुट के बेस पे. यहां तक कोई डाउट? नो सर. अब इससे रिलेटेड मुझे कुछ ग्राफ डिफाइन करना होता है, जिस ग्राफ के बेस पे आपको क्वेश्चन पूछता है. तो एक ग्राफ होता है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, मतलब ये जो ग्राफ रिलेशन लिखा इसके बेस पे, तो आप ये बोलिएगा कि ट्रांजिस्टर में जो इनपुट होता है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस होगा, एंड जो आउटपुट होगा ठीक वो रिवर्स बायस होगा. अब ये भी एक पर्टिकुलर कंडीशन है, मैं उसी कंडीशन को पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं आपको जनरलाइज कंडीशन बताऊंगा आगे. तो इनपुट के लिए हमने ग्राफ पढ़ा था फॉरवर्ड बायस के लिए इंक्रीजिंग अपवर्ड डायरेक्शन में, आउटपुट के लिए हमने पढ़ा था कि एक जेनर वोल्टेज टाइप एक शार्प वोल्टेज डिक्रीज मतलब शार्प करंट इंक्रीज करता है, तो वो द्वारा हो सकता है. तभी मैं इसके बेस पे एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ, उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व, एंड बेसिकली उससे क्वेश्चन पूछता है आपसे. ये कर्व डिफाइन करता है आउटपुट एंड इनपुट के बीच में रिलेशन. तो इसमें फर्स्ट पार्ट होता है यहां से यहां तक, नेक्स्ट पार्ट होता है यहां पे यहां से यहां तक, एंड नेक्स्ट पार्ट होता है इसमें यहां से यहां तक. ये है क्या, मैं आपको वो डिफाइन करता हूँ. ये मेरे पास वोल्टेज आउटपुट, ये मेरे पास वोल्टेज इनपुट, इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉटेड है. ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इसको हम बोलते हैं VCC, उसके बाद किसी इस पॉइंट के बाद ये डिक्रीज करने लगा, मतलब वहां पे कंडक्ट होना शुरू होता है, इसके बाद सैचुरेट कर गया. इस पर्टिकुलर रीजन को हम बोलते हैं कट ऑफ रीजन, इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव रीजन, एंड इसको बोलते हैं हम लोग सैचुरेशन रीजन. कट ऑफ रीजन में इनपुट जो होता है या तो मैं वोल्टेज के लूँ या करंट के लूँ, तो इसमें जो इनपुट होता है वो हमेशा रिवर्स बायस में, आउटपुट जो होता है वो भी रिवर्स बायस में, इसीलिए कट ऑफ है. अगर वो स्विच की तरह काम करे तो ये स्विच ऑफ को डिनोट करता है ठीक. दूसरा, अगर मैं एक्टिव रीजन में देखूं तो इसमें जो इनपुट होता है वो फॉरवर्ड बायस होता है, कंडक्ट करना शुरू होता है, आउटपुट जो होता है वो रिवर्स बायस में, और इसमें एक्टिव रीजन में वो एम्पलीफायर की तरह काम करता है, मतलब एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कराने में हेल्प करता है. सैचुरेशन रीजन में इनपुट फॉरवर्ड बायस, एंड इतना अमाउंट ऑफ चार्ज उस आउटपुट में पहुंच गया कि वो भी फॉरवर्ड बायस की तरह बिहेव करने लगता है, इसीलिए सैचुरेट कर जाता है. तब इस सिचुएशन में वो स्विच की तरह काम करता है, एंड स्विच यहाँ पे ऑन बिहेव करता है. तो आपको इन तीनों टर्म में क्वेश्चन क्या पूछेगा, मैं आपको वो बताता हूँ. वो पूछेगा किस पर्टिकुलर रीजन में स्विच ऑन की तरह बिहेव करता है, तो आप बोलिएगा सैचुरेशन रीजन. अभी जेई में क्वेश्चन पूछा था 2019 में कि किस पर्टिकुलर रीजन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कर्व वो एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है, तो आप बोलिएगा एक्टिव रीजन में. उस कंडीशन में इनपुट एंड आउटपुट के बीच क्या रिलेशन हो सकता है, तो आप ये रिलेशन डिफाइन कीजिएगा. यहां तक ऑल क्लियर सबको? यस सर. कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए. मिर्जा साहब, अमन, नो डाउट सर. गुड गुड. तो हमने ट्रांजिस्टर की बेसिक्स जो चीजें थी वो हमने कर ली ठीक. अब इसके बेस पे जो कैलकुलेटिव पोर्शन होता है वो कैसे डिफाइन करते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ. तो एक पोर्शन होता है आउटपुट एंड इनपुट का क्या रिलेशन होगा. तो एक टर्म याद रखिएगा,
सीवी कॉन्फ़िगरेशन के लिए ठीक जो इनपुट होता है एंड जो आउटपुट होता है वो सेम फेज में होता है ठीक, दोनों का फेज डिफरेंस जीरो होता है, बट फॉर सी कॉन्फ़िगरेशन इनपुट एंड आउटपुट डिफर बाय पाई। ये भी एक क्वेश्चन पूछा था आई थिंक 2020 में पूछा था नीट में या 19 में कि फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट और सी कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, तो आप बोलिएगा पाई। इस चीज को 2015 में क्वेश्चन पूछा था इक्वेशन वाइज, तो इक्वेशन वाइज मैं कैसे लिखूंगा मैं आपको वो बताता हूँ। तो उसको जानने के लिए आपको कुछ टर्म याद होना चाहिए, गेन फैक्टर, जस्ट वन मिनट। गेन फैक्टर हमारे पास तीन तरह का होता है, बोलते हैं हम लोग करंट गेन, नोट कर सकते हैं आप एआई से, नहीं तो क्योंकि हम सी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है आउटपुट करंट दैट इज आईसी बाय इनपुट करंट दैट इज आईडी, या इसका मतलब ये भी होता है चेंज इन आउटपुट करंट बाय चेंज इन इनपुट करंट। अब और डेप्थ में आप ये बोल सकते हैं कि जो करंट गेन फैक्टर है वो फर्दर दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं डायनेमिक, एक को बोलते हैं स्टैटिक। तो ये जो मैंने लिखा है इसमें कोई चेंज नहीं है, तो आप इसको स्टैटिक बोल सकते हैं या डीसी बोल सकते हैं। तो ये टर्म डिफाइन किया है, ये चेंज कर रहा है, तो इसको आप डायनेमिक बोल सकते हैं या एसी बोल सकते हैं, बट आपके कोर्स में आप दोनों को इक्वल मानिए ठीक। इतना टर्म डिफाइन करता है। दूसरा टर्म डिफाइन करता है वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन को डिनोट करते हैं हम एवी से, विच इज आउटपुट वोल्टेज दैट इज वी सी ई by input voltage that is VBE. According to Ohm's law, V is equals to I into R. तो मैं इसको लिख सकता हूँ IC by ICRC और इसको लिख सकता हूँ IBRB. ये पूरा टर्म देखिए ऊपर कितना है बीटा के इक्वल, सो वी कैन राइट बीटा टाइम्स RC by RB. बट जब यहाँ पे देखिएगा आप इक्वेशन तो यहाँ पे साइन नेगेटिव होगा, पूछिएगा क्यों? मैंने ऊपर में लिखा है सी कॉन्फ़िगरेशन के लिए इनपुट एंड आउटपुट डिफर बाय फेज डिफरेंस पाई, इसीलिए यहाँ पे साइन जो होता है कैसा होता है नेगेटिव होता है, या ठीक। तो ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप बोलिएगा कि इनपुट एंड आउटपुट जो फैक्टर है या इनपुट एंड आउटपुट जो करंट वोल्टेज कुछ भी टर्म है वो डिफर बाय फेज डिफरेंस ऑफ पाई ठीक। इसीलिए अगर मैं आउटपुट की वैल्यू लिखूं तो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू इनपुट वोल्टेज टाइम्स बीटा विद नेगेटिव साइन। एक क्वेश्चन था 2015 में, उसने क्वेश्चन ऐसे दिया था वी इनपुट इज इक्वल्स टू 10 साइन 200 पाई टाइम्स टी, और पूछा था अगर आपके पास बीटा इज 50 तो बताइए आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन कितना होगा फॉर सी कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने यहाँ पे कहा आउटपुट वोल्टेज डिफर बाय नेगेटिव साइन, तो वी कैन से वी आउटपुट इज माइनस ऑफ बीटा टाइम्स दिस, तो हो जाएगा 500 टाइम्स साइन 200 पाई इनटू टी, ऐसे लिख सकते हैं। बट जानबूझ के आप क्वेश्चन उल्टा देगा, बोलेगा कि आपको तो ये पता होता है, तो इस टर्म को कन्वर्ट कीजिए फेज के टर्म में। साइन की वैल्यू नेगेटिव किस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में आती है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसको एंगल के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कीजिएगा, तो वी कैन राइट दिस एज साइन 200 पाई इनटू टी प्लस फेज पाई, ऐसे लिख सकते हैं। इसलिए आंसर आपका ये भी हो सकता है, आंसर आपका ये भी हो सकता है, बट जानबूझ के आपको क्वेश्चन में जो गिवन होगा वो ये गिवन होगा। ये समझ आया यहाँ तक? तीसरा टर्म हो सकता है पावर गेन, पावर गेन का मतलब होता है एपी, विच इज आउटपुट पावर, मतलब पावर ऑफ सी कॉन्फ़िगरेशन बाय पावर ऑफ सीबी कॉन्फ़िगरेशन। पावर इज इक्वल्स टू होता है वोल्टेज इनटू करंट, या आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर अपॉन आर,
तो आई स्क्वायर अपॉन आर, आई स्क्वायर आर बोल सकता हूँ तो कुछ ऐसे डिनोट करूंगा, अगर बी स्क्वायर आर बोल सकता हूँ तो उसको ऐसे डिनोट करूंगा। तो डिपेंडिंग अपॉन की वैल्यू किसके टर्म में गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप इन टर्म्स को यूज कर सकते हैं। इससे ज्यादा ट्रांजिस्टर में कुछ भी नहीं होता, हर क्वेश्चन में इसी पर्टिकुलर टर्म को यूज करते जाइए, सॉल्व करते जाइए। ये सारी चीजें क्लियर सबको? Yes, sir. इस चैप्टर का सबसे लास्ट पार्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट क्योंकि लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक, मतलब इनपुट अलग अलग के बेस पे वो आउटपुट अलग बिहेव करता है, इसलिए इसका नाम होता है लॉजिक गेट। इसमें मेनली हम तीन गेट पढ़ते हैं। पहला होता है मेरे पास नॉट गेट, इसको इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं, ठीक, या इसको रिवर्सिबल मतलब उल्टा, ठीक, ऐसे बोल सकते हैं। अब देखिए इसके बेस पे इसमें होता क्या है, तो आप बोलिएगा नॉट गेट कंसिस्ट ऑफ एक ट्रांजिस्टर उसके अंदर, एंड सिंबॉलिकली वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, ट्रायंगल शेप विद सामने एक बबल कुछ ऐसे। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे वाई इसका आउटपुट। तब उस पर्टिकुलर टर्म के लिए पहली चीज हम लिखते हैं बूलियन फंक्शन, मतलब ये आउटपुट इनपुट रिस्पेक्ट में कैसे बिहेव करता है, तो ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट। इस पूरे लॉजिक गेट में हम सिर्फ दो चीजें यूज करते हैं, जीरो इसका मतलब होता है लो वोल्टेज एंड वन इसका मतलब होता है हाई वोल्टेज, ठीक, मतलब सिर्फ दो नंबर यूज करते हैं, इसलिए इसको हम बाइनरी ऑपरेशन बोल सकते हैं। अब देखिए इसके लिए पहली चीज लिखते हैं ट्रुथ टेबल, मतलब ए एंड वाई कैसे एक्ट करता होगा। अगर मैं ए की वैल्यू जीरो पुट करूं तो आउटपुट उसको उल्टा कर देगा, अगर मैं ए की वैल्यू वन पुट करूं तो आउटपुट उसको उल्टा करके जीरो कर देगा। इसको अगर मैं ग्राफिकली देखूं तो कुछ ऐसे डिफाइन करता है, ए की वैल्यू जीरो, फिर ए की वैल्यू वन इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, ये मेरे पास ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। लोअर टर्म जीरो को बताता है, अपर टर्म वन को बताता है, तब इस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं वेव फॉर्म। आउटपुट कैसे चेंज करेगा, तो यहाँ पे जीरो है तो आउटपुट वन हो जाएगा, फिर वहां पे वन है तो आउटपुट जीरो हो जाएगा, तो ये वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये उसका वेव फॉर्म डिफाइन हुआ उस पर्टिकुलर नॉट गेट के लिए। तो हमें फर्स्ट पार्ट इस तरह से डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज ऑर गेट। ऑर गेट कंसिस्ट ऑफ दो डायोड विच इज ऑपरेटेड इन फॉरवर्ड बायस, ये याद रखिएगा, ठीक। तब इसको सिंबॉलिकली कुछ ऐसे डिनोट करते हैं, ये आउटपुट, ये इनपुट, ये ए, ये बी एंड ये वाई। इज इक्वल टू रहता है यहाँ पे ए प्लस बी, प्लस को हम और पढ़ते हैं। तब इसमें अगर मैं ट्रुथ टेबल याद रखूं, ट्रुथ टेबल, तो मैं आपको एक बेसिक टर्म बताता हूं इसके लिए। इफ बोथ इनपुट इज लो देन आउटपुट इज लो, अदरवाइज आउटपुट इज ऑलवेज हाई। ये स्टेटमेंट याद रखिए, सॉल्व कर सकते हैं इजीली। मैंने कहा इफ बोथ इनपुट इज लो मतलब जीरो जीरो, तब आउटपुट जीरो होगा, अदरवाइज कोई भी एक टर्म अगर वन हो तो आउटपुट वन होगा, सिंपल इतना टर्म याद रखिए। थर्ड पार्ट which is not gate, AND gate. AND gate consists of two diode
एंड ये दोनों डायोड कैसे होना चाहिए, रिवर्स बायस में। ठीक, तब इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे होता है डी के फॉर्म में। ये मेरे पास इनपुट ए बी एंड ये मेरे पास कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट वाई, तो वाई सिंपली ए डॉट बी, दोनों का प्रोडक्ट। तब इसके लिए स्टेटमेंट याद रखिएगा ट्रुथ टेबल में, यहाँ पे अगर बोथ इनपुट हाई हो तब आउटपुट हाई होता है, अदरवाइज आउटपुट हमेशा लो होता है। तो इफ बोथ इनपुट इज हाई देन आउटपुट इज हाई, अदरवाइज आउटपुट इज लो। मतलब अगर दोनों इनपुट वन वन हो तब आउटपुट वन होगा, अदरवाइज कोई भी एक टर्म अगर जीरो हो तो आउटपुट जीरो हो जाएगा। तो ये तीन मेन बेसिक डायोड होते हैं। अब इन्हीं के कॉम्बिनेशन अलग अलग टर्म डिफाइन करते हैं, जिसके बेस पे आता है नॉर गेट, नैंड गेट, जोर गेट, एक्स नॉर गेट, अलग अलग टर्म। आई होप कि यहां तक सब कुछ क्लियर है सबको। ओके, नेक्स्ट, इनके कॉम्बिनेशंस कैसे हो सकते हैं। तो पहला होता है मेरे पास नॉर गेट। नॉर गेट कंसिस्ट ऑफ दो पार्ट, और प्लस नॉर, ठीक, तब इसका नाम होता है नॉर गेट। मतलब और को लीजिए एंड उसके आगे एक नॉट गेट कनेक्ट कर दीजिए, कुछ इस तरह। तभी दोनों कॉम्बिनेशन कुछ आपको ऐसा दिखता है एंड यहाँ पे एक बबल बन जाता है, तब ये नॉर गेट होता है। तो नॉर गेट में जो पिछला और गेट था उसका उल्टा बिहेव करेगा, मतलब y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी था, अब ये उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो मैंने पहले इसके लिए इनपुट मतलब इनपुट आउटपुट के बीच में एक रिलेशन लिखा था, इफ बोथ इनपुट इज लो देन आउटपुट इज लो, अदरवाइज आउटपुट इज ऑलवेज हाई, तब उसका उल्टा बोलिएगा, इफ बोथ इनपुट इज हाई देन आउटपुट इज लो, अदरवाइज आउटपुट इज ऑलवेज हाई। मतलब जीरो प्लस जीरो जीरो होता था, यहाँ पे वन हो जाएगा, जीरो प्लस वन वन होता था, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे बोलिएगा इफ बोथ इनपुट इज लो देन आउटपुट इज हाई, अदरवाइज आउटपुट इज ऑलवेज लो, ऐसे आप पढ़िएगा, या उसके ट्रुथ टेबल फॉर्म करके आप ड्रॉ कर सकते हैं उसको। मैं इसमें बेस क्वेश्चन बताऊंगा, अभी कॉन्सेप्चुअल चीजें बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है मेरे पास नैंड गेट। इट कंसिस्ट ऑफ एंड पार्ट प्लस नॉट गेट। एंड गेट सिंपली डी फॉर्म में इस तरह, एंड उसके आगे एक नॉट गेट कनेक्टेड है इस तरह, ऐसे डिफाइन हुआ। तब इन दोनों को कंबाइन कर लीजिए तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा बबल, कुछ इस तरह से। ये मेनली पांच तरह के गेट हो गए। अब इसमें पहला सवाल पूछता है, जो इस साल 2020 में पूछा था आपको, यूनिवर्सल गेट किसको बोलते हैं। तो एक डायोड मतलब एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट लॉजिक गेट का, जो हर अलग गेट में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता हो विद द यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म अकेला ही, ठीक। तो उसमें होता है ये नॉर गेट एंड नैंड गेट, कैसे मैं आपको डिफाइन करता हूँ, ठीक। तो इसको डिफाइन करने के लिए मैं आपको एक थ्योरम पढ़ाता हूँ, शायद मे बी वो थ्योरम आपने नहीं पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं हम लोग डी मॉर्गन्स थ्योरम। ये कहता है कि अगर मेरे पास ए है कॉम्प्लीमेंट एंड उसका मैंने होल कॉम्प्लीमेंट कर लिया, मतलब किसी भी टर्म को दो बार कॉम्प्लीमेंट कीजिएगा तो वो नंबर इटसेल्फ आ जाता है। अगर a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट हो, a डॉट b कॉम्प्लीमेंट हो, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट हो, a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट हो, ये टर्म डिफाइन करता हूँ। तब इन सीक्वेंस के लिए आप एक स्टेटमेंट याद रखिए,
break the line and change the sign. तो मैंने इस लाइन को तोड़ दिया, तो क्या लिख सकता हूँ, ए एंड बी, चेंज द साइन, तो यहाँ पे साइन चेंज कर सकता हूँ. इसके बेस पे इसका साइन जो चेंज, प्लस को माइनस मत कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो साइन होता है, एक प्लस होता है और एक मल्टीप्लिकेशन. इसलिए यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो लिख सकता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट, डॉट को अगर उल्टा कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा. यहाँ पे लिख सकता हूँ ए डबल कॉम्प्लीमेंट डॉट बी डबल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए डॉट बी. यहाँ ब्रेक कीजिएगा तो हो जाएगा ए डबल कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डबल कॉम्प्लीमेंट which would be equals to a plus b. इसके अलावा दो टर्म और याद रखिए कि अगर a plus a complement हो तो हमेशा one के equal होता है, अगर a dot a complement हो तो हमेशा zero के equal होता है. किसी भी logic gate में मैं किसी भी टर्म को दो बार नहीं लिखता, मतलब अगर a plus a लिखा हो तो उसका मतलब a होता है, अगर a dot a लिखा हो तो उसका मतलब a होता है. ठीक, अगर आपको इतना याद है तो आप लॉजिक गेट के हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. इन सारे टर्म्स में आपको कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि मैं आगे इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा. नो ऑप्शन. आगे बढ़ूं? ओके, तो मैंने पहला कहा था नॉर गेट. नॉर गेट कुछ इस तरह से बबल ऐसे बना दिया. अगर मैं बोलूं कि इसके दोनों इनपुट मैंने सेम कर दिए, कुछ इस तरह मैंने ए ले लिया, तो इसका मतलब क्या होगा और इसका आउटपुट कितना होगा? तो देखिए, यहां से इनपुट आया, ऊपर भी ए गया और यहां से भी ए आया, आउटपुट वाई. तो आउटपुट वाई को मैं क्या बोल सकता हूँ, ए इनपुट ए, दोनों के बीच में प्लस साइन एंड उसके बीच में कॉम्प्लीमेंट है. सो अकॉर्डिंग टू द रूल, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, सो वी कैन राइट ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ए कॉम्प्लीमेंट. और मैंने पीछे कहा था कि कोई भी टर्म दो बार नहीं लिखा हो सकता, इसलिए सिर्फ एक बार लिख दीजिए ए कॉम्प्लीमेंट. अब देखिए इस आउटपुट को और देखिए इस इनपुट को, क्या बोल सकते हैं, इनपुट का जस्ट उल्टा हो गया ये आउटपुट, और ये किसका बिहेवियर था, नॉट गेट का. इसीलिए इस अरेंजमेंट को मैं बोल सकता हूँ नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहा है. इसीलिए नॉर गेट कैन एक्ट फॉर ऑल अदर गेट इंडिपेंडेंटली, इसीलिए नॉर गेट एंड नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट बोलते हैं. याद रखिएगा, यूनिवर्सल गेट नॉर गेट होता है एंड नैंड गेट होता है. यहां तक कोई डाउट? ओके, सो हमने यहां तक डिफाइन कर दिया कि यूनिवर्सल गेट क्यों बिहेव करता है. अब मैं आपको एक अनदर टर्म सिखाता हूं. जैसे आपको क्वेश्चन गिवन हो कि एक एंड दे रखा, एक अनदर एंड गेट दे रखा, नैंड गेट, एक अनदर नैंड गेट दे रखा, यहां से अरेंजमेंट यहां तक, अरेंजमेंट यहां तक,
ये इनपुट ए, इनपुट ये। आई थिंक आपने शायद ऐसा रिलेशन देखा होगा। मैं पूछूंगा ये पूरा गेट किस तरह बिहेव करता होगा, आप मुझे वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। क्वेश्चन समझ आया सबको? आउटपुट क्या होगा वो बता दीजिए बस। किसी ने सॉल्व किया और गेट और एंड गेट किसकी तरह आया आंसर आपका? और गेट नैंड गेट। चलिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको कैसे सॉल्व करेंगे। ये मेरे पास ए है, मैंने आपको पीछे ऊपर कहा था ये टर्म तरह बिहेव करता है एंड गेट की तरह। तो आपको देखिए ये भी अरेंजमेंट है, ये भी पूरा एंड गेट की तरह बिहेव करेगा, अरेंजमेंट ये भी एंड गेट की तरह बिहेव करेगा क्योंकि यूनिवर्सल गेट है ये। ठीक, अगर दोनों इनपुट सेम हो तो वो एंड गेट की तरह बिहेव करता है। तो अगर ये ए है तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, अगर ये बी है तो ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। ये टर्म कौन सा है? नैंड गेट। सो वी कैन राइट वाई इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट। फिर मैंने एक रूल पढ़ाया डी मॉर्गन थ्योरम, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। So we can write A double complement plus B double complement, and double complement gives you same result, means A plus B. And अगर A plus B अगर आपका result आ रहा है मतलब वो कैसा behave करेगा? और गेट। शायद आपको समझ आया हो। किसी को कोई doubt एक बार पूछ लीजिए फिर से, मैं फिर से बता दूं। अमन समझ आया आपको? मिर्जा रिपीट कर दे एक बार। देखिए मैंने ऊपर कहा था कि अगर सिमिलरली नैंड गेट के लिए तो पूरा जो आउटपुट होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है? नॉट गेट की तरह। तो यहां पे भी इनपुट दोनों का सेम सेम है एंड ये नैंड गेट है तो जो इनपुट है वो आउटपुट में कन्वर्ट करेगा नॉट गेट की तरह, तो जस्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब ये जो रिलेशन जो फाइनल है उसके बेस पे पहले पुट कर दीजिए। y इज इक्वल्स टू ये पहले नैंड गेट तो दोनों का प्रोडक्ट जो इनपुट है एंड यहाँ पे बबल है मतलब उसका होल कॉम्प्लीमेंट।
यहाँ पे रूल अप्लाई कीजिए, डी मॉर्गन्स थ्योरम, ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन. तो लाइन को मैंने ब्रेक कर दिया तो सिंगल सिंगल टर्म पे डबल कॉम्प्लीमेंट. डबल कॉम्प्लीमेंट गिव्स यू सेम रिजल्ट, बीच में प्लस साइन मीन्स ए प्लस बी. और हमने पीछे पढ़ा था ए प्लस बी किसके लिए होता है, और गेट के लिए. इसलिए पूरा अरेंजमेंट और गेट को डिफाइन करेगा. ओके, अब इसी तरह से आपको अलग अलग अरेंजमेंट दिए होंगे एंड उसको यूज करना है, उसके लिए स्पेन सॉल्व करने की कोशिश करनी है. दो गेट और पढ़ना है आपको, एक को बोलते हैं हम लोग जोर गेट, या इसी चीज को पढ़ते हैं कुछ एक्सक्लूसिव और गेट. मतलब ये होता किस तरह है मैं आपको वो दिखाता हूँ. ठीक, इसका जो आउटपुट होता है y is equals to a dot b complement plus a complement dot b, कुछ ऐसा होता है. तो ये जोर गेट को बोलते हैं, या इसी चीज को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं. ठीक, तो आप सिर्फ ये याद रखिएगा इसका आउटपुट इतना होता है. तो आपको जानबूझ के आउटपुट गिवन होगा और पूछेगा किस गेट का ये आउटपुट है, तो ऐसा हो जाएगा. इसी का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट करूं तो उसको बोलते हैं हम एक्सक्लूसिव नॉर गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट. तो इसी चीज को एक्स नॉर गेट भी बोलते हैं ऐसे. मतलब इसके लिए जो आउटपुट होगा इस पर्टिकुलर टर्म का कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए. जब उसका कॉम्प्लीमेंट कीजिएगा तो उसकी वैल्यू कुछ आ जाती है y is equals to a dot b complement plus a complement dot b, उसका होल कॉम्प्लीमेंट. तो मैं इसको ब्रेक करूं, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, तो जाएगा a dot b complement होल dot, ये पहला पार्ट, a complement dot b होल दूसरा पार्ट. इसको ब्रेक कीजिए तो ये हो जाएगा a complement plus b डबल कॉम्प्लीमेंट, बीच में डॉट, ये हो जाएगा ए डबल कॉम्प्लीमेंट, बीच में प्लस बी कॉम्प्लीमेंट. ए बी डबल कॉम्प्लीमेंट इज बी इटसेल्फ. इसको एक बार इसके साथ में अप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा ए डॉट ए. इसको एक बार इसके साथ में अप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट. इसको एक बार इसके साथ में अप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा ए डॉट बी. और इसको एक बार इसके साथ में अप्लाई कीजिए तो बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट. ये टर्म जीरो होता है, ये टर्म भी जीरो होता है. तो आपके पास सिर्फ क्या बच गया, इतना ही इसका आउटपुट होता है. कोई डाउट हो यहां तक तो प्लीज पूछ लीजिए. इन लॉजिक गेट्स में कोई प्रॉब्लम? नो सर. फातिमा, समझ आया आपको? ओके, सो आपका चैप्टर सिर्फ इतना ही तक था. चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया. ठीक है, अच्छे से पढ़िए, कोई भी डाउट हो जरूर पूछिए. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास आके देखते हैं कौन सी होगी, फिर उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, यहां तक आपने आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया या कुछ नोट करना बाकी है? ओके देन, गुड लक, अल्लाह हाफिज. Oh.